फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इधर मैंने 3 साल खेला है और अभी एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाईलाइट सब मतलब फर्स्ट तो मैंने जब डेब्यू किया था वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था तब भी। और सीजन बाय सीजन जैसे लास्ट सीजन और ये सीजन और गेम में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, वो बहुत फील होता है अच्छा। और वैसे जो केरला को गोल मारा, उसके बाद सेमीफाइनल में गोल मारा, तो वो चीज़ें बहुत मतलब लाइफ टाइम मेरे दिमाग में रहेंगी कि हाँ ऐसा मैंने ISL में गोल स्कोर किया है और मुंबई सिटी के लिए किया है। थॉट प्रोसेस तो यही था कि ये अच्छा क्लब है और कोच भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है क्लब भी, और गेम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है इधर, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी टीम है, प्लेयर है, और हर साल हम प्ले ऑफ में जा रहे हैं, तो अच्छा है कि बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है इधर खेल के। तो और आगे का भी यही सोच के किया है कि आगे भी हम ऐसे अच्छा करें और भी इम्प्रूव करें अपने आप को, तो जो क्लब के लिए और भी हेल्पफुल हो और हमारे लिए भी बहुत अच्छा बात है कि मैंने एक्सटेंशन किया है और 3 साल अच्छे से इम्प्रूव करूँ अपने आप को। हाँ बहुत अच्छा रिलेशन है और बहुत मतलब हंसी मजाक भी बहुत होता है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है जैसे कि बर्थडे में केक वेक को लेके, तो बहुत अच्छा रिलेशन है। और वैसे ही पर्सनली वो बहुत कुछ बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा इम्प्रूव करना है गेम को, तो उसी हिसाब से और उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो भी सेम अभी मोस्टली सारा समझ आ ही गया है, तो उसके चलते और भी खेलने को ईजी हो जाता है। हाँ वो भी बहुत हेल्प किया, क्योंकि जैसे कि रिलेशन की बात की आपने, तो बहुत चीज़ें थी जो इजी हो जाती हैं, जैसे कि अब मैं जाके बात कर सकता हूँ, जैसे पूछ सकता हूँ कुछ, तो कोच को भी बताना इजी हो जाता है और मेरे को भी मालूम है कि कोच क्या गेम ऑफ स्टाइल खेल रहे हैं, कैसे खेलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ मेरे को भी। तो मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि इधर में मैं 3 साल से खेल रहा हूँ और मुझे पता है 2 साल से कि कौन सा हम गेम खेल रहे हैं, कब कौन सा गेम खेलना है और कौन से टाइम पे कैसा खेलना है, तो उसमें बहुत चीज़ से हेल्प हुई और धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव भी हुआ उस चीज़ में, तो इसीलिए बहुत उसमें बहुत हेल्प था। हम बहुत सा इस दर में रह के तो बहुत हेल्प हुआ। एक ड्रीम था मेरा जो कि आपने बोला नेशनल टीम का, वो मेरा ड्रीम था कि एक हमारे फैमिली में भी बहुत खुशी की बात है उस चीज़ को लेके, गांव में बहुत खुशी की बात है कि मैं नेशनल टीम के लिए खेल रहा हूँ। और ये सीज़न पूरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने अपना जो मेरा फोकस था कि मैंने अच्छा खेलना है, और उसमें हर एक जैसे ऑफिशियल हो कोच और बहुत ज़्यादा हेल्प किया, फैमिली ने बहुत हेल्प किया, तो उसी फोकस से ये सीज़न स्टार्ट किया था। और बहुत अच्छा फील हुआ जब नेशनल कॉल अप आया और डेब्यू भी किया वहाँ जाके, बहुत अच्छा फील हुआ उधर। हाँ बहुत अच्छा रहा क्योंकि 2 साल बबल में थे तो इतना फैंस वगैरह तो नहीं आ रहे थे और उतना मज़ा नहीं आ रहा था खेलने में, तो अभी मुंबई में आए तो फैंस के बीच बहुत मतलब अच्छा लग रहा था उधर जाके, क्योंकि फैंस बहुत सपोर्ट कर रहे थे और अच्छा भी लगता है और खेलने का मज़ा भी आता है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो ऊपर से क्या बोलते हैं कि जैसे पहले जब हम बबल में थे तो बहुत मैच खेलना लाइक कि कोई है नहीं देखने के लिए, तो शोर ये वो तो उतना मज़ा नहीं आता था, तो अभी फैंस वगैरह आते हैं तो बहुत सपोर्ट मिलता है हमको और जोश आता है, जैसे फैंस वगैरह चिल्लाते हैं बाहर से, चेयर अप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुंबई में ज़्यादा घूमा तो नहीं हूँ क्योंकि मैचेस वगैरह थे और प्रैक्टिस वगैरह, वैसे भी ऑफ डे होता था, थोड़ा रेस्ट ही चलता था, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो इसके लिए बहुत बाहर जाना कहीं तो बहुत मुश्किल था। वैसे अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा लगा, जितना भी थोड़ा बहुत घूमा अच्छा लगा। हाँ सबसे ज़रूरी तो मेरे लिए है कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ और भी अच्छा खेलूं और मुंबई सिटी के लिए और भी अच्छा करूं, और जो हम नेक्स्ट 3 सीजन जो हमने कुछ मिस्टेक्स वगैरह कुछ उसको इम्प्रूव करूं आगे सीजन बाय सीजन, और जितना हो सके अपना 100% दूं और मुंबई सिटी के लिए ट्रॉफीज जीते हम जितना ज़्यादा हो सके। उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट किया हमको और सारी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपने, जैसे कोई भी मैच अप डाउन भी होता रहा तो आपका सपोर्ट बरकरार ही रहा, हमेशा आपने सपोर्ट ही किया है, तो ऐसे आगे भी सपोर्ट करते रहो जो हम मुंबई सिटी के लिए और भी अच्छा करें।